मैं एक बात मीडिया के माध्यम से कहनी चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे करवाए जा रहे हैं वाले से, और उसी आधार पर टिकट देने के दिल्ली में कांग्रेस टिकटों पर मंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक ने ही इस सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस के नेता पर अपने रिश्तेदार के ही सर्वे करवाने के काम देने के आरोप लग रहे हैं। मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली। चौपाल से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट ने कहा कि कांग्रेस द्वारा इन दिनों उम्मीदवारों को लेकर सर्वे करवाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अपने ही भांजे को सर्वे का काम दिया है और वह हिमाचल सहित चौपाल में भी सर्वे कर रहा है। सर्वे में कौन आगे कौन पीछे है, तो अगर इस ढंग से प्लांटेड सर्वे हम करेंगे तो वो मेरे हिसाब से पार्टी के हित में नहीं रहेगा। तो हम अपनी आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। ये मैं उत्तराखंड में जो अभी चुनाव हुआ हाल ही में, 4 महीने वहाँ मुझे रहने का मौका मिला। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुझे वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बनाया था। वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, जो 3-3 बारी के ओरिजिनल सर्वे में आगे थे, लाइक जो हमारे पास एक यूनिटी सीट थी वहाँ पे, जो 3-3 बारी के सर्वे में आगे थे, बाद में वहाँ पे 1.5 महीने में कोई ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो मनहूस तरीके से सर्वे करा के अपनी फेक रिपोर्ट बना के ले आते हैं और वहाँ से टिकट के लिए, जुगाड़मेंट के लिए वो अपना सर्वे दिखाते हैं और वो टिकट लेके आते हैं, और जो ओरिजिनल सर्वे था उनको टिकट ना मिलके टिकट मिल गया जो फर्जी सर्वे वाले को। और उसका परिणाम क्या हुआ, चुनाव हुए। उस चुनाव में जो निश्चित रूप से चुनाव में हमेशा जनता का ही सहयोग रहता है, जनता के आशीर्वाद से ही विधायक बनता है। आप फेक काम करोगे तो जनता फेक काम करने वाले साथ नहीं चलेगी। तो वहां क्या हुआ कि जो उस व्यक्ति के सर्वे में जो ठीक चल रहा था, लोगों ने उन्हें इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। कहीं यहाँ पे ना हो, क्योंकि जिस ढंग की यहाँ पे संभावनाएं पाई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नेता अपने नेताओं को अरेस्ट करने के चक्कर में ऐसा कार्य करने जा रहे हैं। सर्वे की फेक रिपोर्टें अभी स्क्रीनिंग कमेटी की होनी है मीटिंग हमारी, उसमें पेश करेंगे, सीसी में पेश करेंगे। तो मेरा ये आग्रह है हाईकमान से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और श्रीमती प्रियंका गांधी जी से, कि कृपया करके अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अपनी ऐसी टीम दिल्ली से भेजिएगा यहाँ पे जिसका पता ना हमें हो, ना हमारे प्रदेश के नेताओं का हो, ना हमारे प्रभारी को, जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ कांग्रेसी हो उससे कोई इसका लिंकअप ही ना हो। कोई ऐसी स्टेट से सर्वे की टीम यहाँ से भेजी जाए जो आपको सीधी रिपोर्ट करे और सही रिपोर्ट दे, उसमें चाहे हम पीछे हो।